So, in this session, we are going to discuss collective behavior. How we can define collective behavior, how it is different from individual behavior, and what are the major types and categories of collective behavior. So, when we want to highlight that what is collective behavior, that is basically the kinds of activities engaged in by साइजेबल बट लूजली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स ऑफ़ पीपल यानी कलेक्टिव बिहेवियर यह ज़रूरी नहीं है कि किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग इकट्ठे हुए होंगे तो हम उसे कलेक्टिव बिहेवियर कहेंगे जहाँ कहीं ग्रुप्स लोगों के इकट्ठे हों वो कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो एक तरह से मैच कर रही हों तो हम उसे कुलटिव बिहेवियर कह सकते हैं सो द एपिसोड ऑफ़ कुलेक्टिव बिहेवियर टेन टू बी क्वाइट स्पॉन्टेनियस बात बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो यानी लोग इकट्ठे हैं वहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है एक्सीडेंट हुआ है जाहिर है उस पर सब एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस शेयरड बाय द मेंबर्स जो भी मेंबर वहाँ पर हैं उनका बिहेवियर अगर एक तरह से है वो रिएक्ट एक तरह से करते हैं तो दैट इज़ कलेक्टिव बिहेवियर एंड देयर आर मेनली थ्री फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर नंबर वन द क्राउड नंबर टू द महस नंबर थ्री द पब्लिक लेकिन जो क्राउड है दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन भी विच कैन बी अ फर्दर कैटेगराइज इन टू समटेगरीज लाइक द कैजूअल क्राउड कैजूअल क्राउड क्या होता है दैट इज़ अ कोलेक्शन ऑफ पीपल

इनका कोई आइडेंटिटी खास पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है कन्वेंशनल क्राउड्स अ कन्वेंशनल क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु गैदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ लेकिन अब यही लोग जब किसी खास मर, मकसद के साथ इकट्ठे हुए होंगे तो वो तब हम उन्हें कन्वेंशनल क्राउड कहेंगे देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव क्राउड एक्सप्रेसिव क्राउड एंड एक्सप्रेसिव क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हुदर प्राइमरली टू बी एक्साइटेड एंड टू एक्सप्रेस वन और मोर इमोशंस अब लोग क्रिकेट मैच देखने इकट्ठे हुए हैं फुटबॉल मैच देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं किसी जगह पर स्पीच सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो डेफिनेटली वो सब मिलकर इंजॉय करेंगे क्लैपिंग करेंगे टू तो दे आर कॉल्ड द एक्सप्रेसिव क्राउड एक और मज़े की कैटेगरी है दैट इज द एक्टिंग क्राउड्स अब एक्टिंग क्राउड्स कौन से होते हैं जो इकट्ठे तो होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लेकिन नॉर्मली एक्टिंग क्राउड वो होता है जो बाज़ात उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जहाँ पर वायलेंस आ जाती है मसलन अब कहीं एक्सीडेंट हुआ कोई ऐसा सडन एक्सीडेंट था जहाँ लोग इकट्ठे हो गए अब उन्होंने इकट्ठे होकर जब देखा कि कोई एक्सीडेंट किसी से हो गया है वो वहाँ मिलकर टायर जलाने लग जाए या कोई ऐसी वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए अब उनका कोई लीडर नहीं होता वो खास पर्पस के लिए भी नहीं वहाँ आए लेकिन किसी एक्शन के रिजल्ट के तौर पर वो वहाँ रिएक्ट करते हैं ठीक है तो ये एक्टिंग क्राउड कहलाते हैं अब एक और कैटेगरी है वो है प्रोटेस्ट क्राउड्स अब प्रोटेस्ट क्राउड्स वो लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली एक पर्पस के साथ इकट्ठे होते हैं किसी चीज़ पर प्रोटेस्ट करने के लिए यानी उनकी प्लानिंग भी होती है उनका पर्पस भी होता है एक और जो हमें समझना है कि कलेक्टिव बिहेवियर के अंदर क्राउड को तो हमने देख लिया अब मैस क्या कहलाता है द गैदरिंग ऑफ पीपल हैविंग नो पर्टिकुलर एम और ऑब्जेक्ट जैसे लोग कहीं पर राह चलते कहीं पर नज़र आ जाए हमें कि कोई ग्रुप इकट्ठा है कोई बाज़ार में चलते हुए लोग जिनका कोई पर्पस या एम नहीं है लेकिन वो हमें चलते फिरते इर्द गिर्द जो इकट्ठे लोगों की ग्रुप्स में मूवमेंट नज़र आती है ये मैस होता है फिर एक और जो कैटेगरी है वो ये है द पब्लिक अब पब्लिक कौन है पब्लिक वो हैं जिनका एक स्पेसिफिक थीम होगा वो कंसर्न्ड होंगे अबाउट अ स्पेसिफिक इशू और उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए जब वो इकट्ठे होते हैं तो दे कॉल्ड पब्लिक अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर इज द सोशल मूवमेंट द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स एक्सप्लोडेड इन द नाइनटीन सिक्सटीज एंड नाइनटीन सेवेंटीज स्पेसिफिकली इन यू एस पीपल इनिशिएटेड एंड स्टार्टड सोशल मूवमेंट्स विद अ स्पेसिफिक पर्पज और ऑब्जेक्टिव So we have discussed the nature of collective behavior and the theme and types of collective behavior.